नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महेंद्रगढ़ की राम विहार कॉलोनी के पास शराब का ठेका खोले जाने का मामला लगातार धूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां कॉलोनी वासियों का धरना प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ ठेकेदार की ओर से शराब ठेके का निर्माण लगातार जारी है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पूर्व विधायक और यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह वहां पर खड़े बूढ़े बुजुर्ग और महिलाओं को अपशब्द कहते नजर आ रहे थे। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि यहां ठेका ना खोलूं तो क्या ओयो होटल खोल दूं। आज इसी मामले को लेकर पूर्व विधायक और यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि ये शराब के ठेके उनके रिश्तेदार के हैं और सरकार के नियमानुसार ये ठेके यहां पर खोले जा सकते हैं। राव बहादुर सिंह ने कहा कि उनकी ओर से बोले गए शब्द उन्हें नहीं बोलने चाहिए थे, उसके लिए वे माफी मांगते हैं। ये शब्द उन्होंने आवेश में आकर बोल दिए थे और क्या कुछ कहा राव बहादुर ने, आप खुद ही सुन लीजिए। महेंद्रगढ़ से हमारे संवाददाता विकास ओहलियान की रिपोर्ट। मामला दरअसल इस प्रकार से, यहाँ के ठेके कुछ मेरे रिश्तेदारों ने रखे हैं और वो कानून के मुताबिक ठेके जो बना रहे थे वो ठीक बना रहे थे, और दो दिन से हमारे आदमियों ने जिस प्रकार से उनसे प्रार्थना की कि भाई इसमें आप बाधा ना बने, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी के अनुसार हम अपना ठेका बना रहे हैं और इसमें आपको कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन मैं गया तो कुछ तत्व राजनीतिक चमकाने के लिए कुछ मैंने जाते ही पूछा कि क्या बात है, पैसे आप इतने लोग इकट्ठे कैसे हो, तो कुछ तत्व जो बदमाश तत्व लोग थे जो मेरी छवि को या अपने आप में कुछ ऐसी बातें कह करके मेरे को बात ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे शब्द मेरे को नहीं बोलने चाहिए थे, इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा भावुकता मार करके, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ऊंचा बोल रहे थे, इस प्रकार के भी शब्द कह रहे थे कि बहादुर सिंह मुर्दाबाद, तो मैंने उनको थोड़ा सा तय सुना करके और थोड़ा सा ये ठीक बात है कि मैंने थोड़े से गुस्से में आकर के उनको कुछ बात कही, तो मैंने उन बुजुर्गों को और मेरी माता और बहनें थी उनके प्रति ऐसा कोई रोष नहीं दिखाया, बल्कि उनमें से मेरे अपनी गोद की भी थी, मेरी अपनी बहन है, मैं उनको बहन कह करके पुकारता हूँ, आज भी उस मोहल्लावासियों को मैं अपना परिवार मानता हूँ, लेकिन कुछ तत्वों की वजह से मैंने अगर कुछ कह भी दिया और वो अपने आप में फील करते हैं, अगर बहादुर सिंह ने हमें ऊंचे स्वर में कुछ बोल दिया तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर मेरे मुंह से कोई बात निकल भी गई तो वो इस बात को सीरियस न लें, मैं उनसे अपना शब्द वापसी लेता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि अगर मेरे शब्द उनके किसी प्रकार का अक्षुभम है तो उनसे माफी भी मांगता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।